आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इसी में पढ़ा था चिपको आंदोलन और दलित पैंथर्स पढ़े थे। आज हम इसी को जन आंदोलनों में देखेंगे, कौन कौन से आंदोलन हुए थे जन आंदोलन। तो उसमें है भारतीय किसान आंदोलन। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यह किसानों से कृषि से संबंधित आंदोलन था, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। तो 70 के दशक में भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष और रोष पैदा हुए, यहाँ तक कि समाज के जिन वर्गों को विकास की प्रक्रिया से कुछ लाभ हुआ था उसमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। और 80 के दशक में कृषक संघर्ष चला और उसका एक उदाहरण यह है कि अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। धनी किसानों ने जब सरकार की नीतियों का विरोध किया, मतलब कि जिस उद्देश्य से इस आंदोलन को चलाया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया था। सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो सन 1960 के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया था। और इस आंदोलन से इन इलाकों में कहां गेहूं, गन्ना और मुख्य नगदी जो फसलें थी। और 1980 के वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नगदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। कुछ मांगें थी जो किसान संगठनों ने भी उठाई थी। महाराष्ट्र के क्षेत्रकारी संगठन में किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम नाम दिया गया और भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। यही विवाद 80 तक चलता रहा और एक बार फिर यह उठा जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मंडराने लगे थे। अब है कि भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं क्या थी। सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के लिए बीकेयू ने धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्यवाहियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के हजारों किसानों ने भाग लिया और किसान आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में से एक था। किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। यह अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह ही सक्रिय था। और जो बीकेयू है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था और यह 80 के दशक में किसान आंदोलनों का इसने नेतृत्व भी किया था। सरकार पर अपनी मांगे बनाने के लिए इसने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो आदि कुछ कार्यक्रमों का सहारा लिया। और 80 में बीकेयू ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विकास विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीकेयू ने रैली का आयोजन किया और इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। बीकेयू के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरा संस्था का उपयोग भी किया।
और सन 1990 में BKU ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा। कब उन्होंने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा? 1990 में BKU ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा और वह अपने सदस्यों के संख्या के अधिक संख्या के दम पर राजनीति में दबाव बनाने लगे और इस संगठन में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव डलवाने लगे। और इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल आंदोलन रहा। अब है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। बच्चों, नाम से ही समझ रहे, फिश वर्कर्स मतलब यह जो आंदोलन था यह था मछुआरों से संबंधित। तो मछुआरों की संख्या के हिसाब से भारत में का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे अधिक मछुआरे भारत में हैं। तो मछुआरों की संख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देशी मछुआरा समुदायों में हजारों परिवार मछली मारने के पेशे से संलग्न है, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन ही मछली मारना है और मछली से संबंधित व्यवसाय ही उनकी आजीविका है। 1980 के मध्यवर्ती वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई और बाध्य होकर मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जिसको NFF का नाम दिया गया। N मतलब नेशनल, F मतलब फिश वर्कर और F मतलब फोरम, NFF का नाम दिया। ये ऐसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नगदी फसल उपजाते थे। फिर ताड़ी विरोधी आंदोलन। इसके पहले हम देखेंगे कि महिलाओं ने भी शराब माफिया को हराया था। तो चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूरू गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हो गई थी। महिलाएं अगर कोई काम करने पर आ जाएं तो वह उस काम को कर कर ही शांत होती हैं और अब सफल होती हैं। उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाले जीप को वापस लौटने पर मजबूर भी कर दिया। जब गांव में ताड़ी विक्रेताओं के ठेकेदारों को इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उनके साथ गुंडों का एक दल भेजा। गांव की महिलाएं इनसे भी नहीं डरी। ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदार ने गुंडों के माध्यम से सरियों और घातक हथियारों से हमला किया। लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही, कायम रही और अंत में ठेकेदार और उसके गुंडों को हार मानी पड़ी। अब है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखाई देती थी कि ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी और यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक दूर दराज के गांव दुबरगंता में 1990 में महिलाओं के बीच प्रोण साक्षरता का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें
घर में पुरुषों द्वारा देशी शराब ताड़ी आदि पीने की शिकायतें प्रायः करती रहती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत भी लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगे थे। शराब उनके शरीर और मन पर बुरा असर प्रभाव डाल रही थी। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी और इसके कारण लगातार कर्ज भी बढ़ते जा रहे थे। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहते और शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। और इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही थी? महिलाओं को, क्योंकि परिवार का भरण पोषण और अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी और परिवार में तनाव की स्थिति और मारपीट आदि का माहौल आम बात हो गई थी। तो वह नेल्लोर की महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आईं और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव भी बनाया। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने व्यापक सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बनता गया। अब है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बांध समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात में बहुत बड़े हिस्से सहित तीन पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस सरदार सरोवर बांध के निर्माण से गुजरात और उसके आसपास के तीन राज्यों में सिंचाई की, बिजली के उत्पादन की और पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे कृषि की उपज में वृद्धि होगी और इससे बाढ़ और सूखे की जो आपदाएं थी उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा या लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। कृषि की उपज में गुणवत्ता की बढ़ोतरी होगी। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर लगाम लगेगी और प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे, अब लगभग 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास का भी मौका मिलेगा और यह कार्य स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। अब है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। और नर्मदा बचाओ में आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने के लिए हिदायत दी, लेकिन साथ ही से यह भी आदेश दिया कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास सही ढंग से किया जाए, उनके रहने की व्यवस्था पुनः करी जाए और नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी ज्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी मांग करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल भी किया। आंदोलन में अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई और आंदोलन की समझ को जनता के सामने लाने के लिए नेतृत्व ने सामाजिक रैली और सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया गया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्मा आंदोलनों के गठबंधन का एक अंग बन गया था। अब है सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। कागज इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी थी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाए। यह मांग सबसे पहले राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में उठाई गई थी। राजस्थान का एक छोटा और पिछड़ा इलाका है, तहसीली इलाका है जिसका नाम है भीम, वहां पर यह मांग सबसे पहले उठाई गई थी। सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक प्रारंभ हुआ और सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया और 2005 जून में इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई थी। इस आंदोलन की 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी हासिल हुई थी। यह बात हाल ही की नई आर्थिक नीतियों के मामलों में देखी जा सकती है। बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और अच्छे नंबरों से आपको पास होना है।